हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट लेयर में एंटर करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम TL में ट्रांसपोर्ट लेयर में एंटर करने वाले हैं। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस थे जो बने थे जिसके ऊपर मैंने बात की थी वो हम लोग DLL डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के बारे में बात की। जितनी भी इंफॉर्मेशन उन लेयर्स के बारे में आपको पता थी वो मैंने सारी की सारी अपने वीडियोस के थ्रू डिलीवर कर दी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीडियो टू एंटर इनटू द ट्रांसपोर्ट लेयर। बड़ा मजेदार लेयर है ओके। काफी सारी चीजें इसमें समझने जैसी जानने जैसी वो मैं आपके तक पहुंचाने वाला हूं। हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाला हूं। एंड व्हाट्स बेस्ट टू स्टार्ट विद दिस, जब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट लेयर की तो जहां से हम शुरू करने वाले हैं वो है TCP हेडर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हेडर। ओके, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर आता है तो उसमें भैया इस प्रोटोकॉल का तो जिक्र होना ही चाहिए जो कि बहुत मेजर प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल को जानना अभी हम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर की पोजीशन क्या होती है, इट इज बेसिकली सिचुएटेड बिलो द एप्लीकेशन लेयर एंड अबव द नेटवर्क लेयर। वहां पे आपका जो एक तरीके से आपको आपका ट्रांसपोर्ट लेयर देखने को मिल जाएगा। तो होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट हैपेंस इज कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें से जो मैसेज कह लो या डेटा बाइट्स कह लो वो नीचे भेजता है ओके। वो जाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में एक तरीके से क्या होता है, आपका जो भी डेटा है उस डेटा के साथ साथ हेडर लगा दिया जाता है ओके, जिसे हम कहते हैं ये TCP हेडर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो एप्लीकेशन से डेटा आया और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, TCP हेडर उसके साथ जोड़ दिया गया। अब ये जो बन गया है, ये जो बनता है इसे हम कहते हैं TCP सेगमेंट। सो ये जो TCP सेगमेंट होता है इट इज बेसिकली नथिंग बट द हेडर, दैट इज दिस TCP हेडर प्लस द डेटा बाइट्स दैट arrived from the application layer। तो यहाँ पे ये जो term है ये बहुत important है और ये ज़्यादातर हम लोग use करने वाले हैं when we are referring to transport layer। तो transport layer पे हम बात करते हैं segment की, network layer पे हम बात करते हैं इस term की as a datagram। तो these are the terms, okay? These are the term। ये हो गया आपका transport layer पे, ये हो गया आपका respective datagram at the network layer। फिर हम बात करते हैं भैया frame की, frame की बात कहाँ करते हैं डेटा लिंक लेयर पे हम बात करते हैं फ्रेम की ओके। और अगर एक जनरलाइज्ड नाम देना होगा, जनरलाइज्ड हम लोग पैकेट बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो पैकेट, सेगमेंट, डेटाग्राम, फ्रेम, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भैया ये कहां कहां पे ये जो टर्म्स हैं किस लेयर पे यूज की जाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, DLL और जनरलाइज्ड वे में हम पैकेट कह सकते हैं ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक हो गया। अब थोड़ा सा शुरू करते हैं भैया इस हेडर को समझ। तो जैसे कि भैया वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि भैया ये पार्ट वन है ऑफ द TCP हेडर, बिकॉज यहां पे एक ही वीडियो के अंदर कम से कम समय में एग्जाम्पल के साथ आसान भाषा के थ्रू हर एक फील्ड को विदाउट मिसिंग अ डिटेल एक्सप्लेन करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि अगर मैं कोशिश भी करूं तो आई वुड बी मिसिंग सम ऑफ द डिटेल्स, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं भैया हर एक फील्ड को अच्छी तरीके से मैं आप तक डिलीवर करूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसे पार्ट्स में कंडक्ट करूंगा इन सेशंस को, इन लेक्चर्स को, ताकि पार्ट बाय पार्ट एक एक फील्ड को हम कंसिडर करेंगे, समझते जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसमें क्या है, फील्ड में पूरी तरीके से उतर जाएंगे, देखेंगे कि भैया व्हाट आर द डिटेल्स दैट आई कैन शेयर विद यू। जो इंफॉर्मेशन उन फील्ड्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो मैं डिलीवर करने की यहां पे कोशिश करने वाला हूं। तो इस पार्ट वन में भैया एक बेसिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में जो कि ऑब्वियसली TCP हेडर के ही पार्ट्स होंगे, 2-3 पार्ट्स जो होंगे उसमें एक एक फील्ड को मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एग्जांपल के साथ आसान भाषा में। तो यहां पे अगर आप TCP हेडर के पहले दो फील्ड्स पे देखोगे तो एक नई टर्म निकल के आती है। अभी तक हम लोगों ने मैक एड्रेस के बारे में बात किया, फिर IP एड्रेस के बारे में बात किया ओके। फिर अभी थोड़ा और ऊपर आ गए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यहां पे एक नए टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर को बड़े अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं आगे आने वाले पार्ट्स में। यहां पे बेसिकली यहां पे सोर्स पोर्ट की बात करते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की बात करते हैं। पहली जो फील्ड है वो सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट की है और ये वाली फील्ड भी 16 बिट है जो कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कुछ अगर मैं बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा रिलेटिव टू द अदर लेयर्स, यानी कि जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर पे हम लोग जो कम्युनिकेशन की बातें करते हैं वो है भैया हॉप टू हॉप। यहां पे हम लोग हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हॉप एक हॉप लाइक दैट, उतना का हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं नेटवर्क लेयर पे तो नेटवर्क लेयर पे आपको यहां पे होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्या? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर जब हम लोग भैया ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ ही गए हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, एंड टू एंड। यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है,
एंड टू एंड कम्युनिकेशन, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखने को मिल जाएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है आखिर, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार जो है यहाँ पे एक तरीके से पोर्ट नंबर, ये कॉन्सेप्ट है पोर्ट नंबर, ये टर्मिनोलॉजी है जिसे हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं बड़े अच्छी तरीके से इन कमिंग पार्ट। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हम लोग ऑफ टीसीपी हेडर। ये तो दो फील्ड हो गए, उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो दोनों फील्ड जो है वो 32 बिट्स के हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया अगली फील्ड, ओके, अगले रो के ऊपर। यहां पे है हेडर लेंथ 4 बिट का। अगर आप देखोगे IPv4 हेडर जो था उसमें भी हेडर लेंथ फील्ड थी, वो भी 4 बिट की थी, लेकिन उसमें एक और फील्ड थी जो लेंथ से रिलेटेड थी, दैट वाज टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ योर ऑब्वियसली पैकेट, टोटल लेंथ ऑफ द पैकेट, वो फील्ड भी IPv4 में थी। लेकिन यहां पे ऐसी कोई फील्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी, टीसीपी हेडर में टोटल लेंथ फील्ड नाम का कोई भी प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पे सिर्फ हेडर लेंथ होगी। फिर आते हैं भैया आर के ऊपर। आर मतलब क्या? आर इज नथिंग बट सिंपली आर रिजर्व्ड बिट्स, दे आर द रिजर्व्ड बिट, जिसके लिए यहां पे 6 बिट है, रिजर्व्ड 6 बिट्स आर देयर। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहां पे जो 6 फील्ड देख रहे हो, 6 फ्लैग फील्ड्स देख रहे हो, ओके, उन सब ने अपना अपना एक एक बिट जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, एक एक बिट की उन सभी फ्लैग फील्ड्स की साइज है। तो ये जितने भी भैया 6 यहाँ पे फ्लैग फील्ड्स हैं जो कि अपनी एक एक साइज की जो फील्ड साइज है वो होल्ड कर रहे हैं, उनको मैं एक बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जांपल के साथ आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले पार्ट्स में। फिलहाल तो अगली जो फील्ड है वो हमारा इंतजार कर रही, जिसका नाम है विंडो साइज। ओके, विंडो साइज जिसकी फील्ड है भैया 16 बिट की, एडवर्टाइजिंग विंडो, एडवर्टाइजिंग विंडो साइज जो है वो 16 बिट की फील्ड है। आगे हम आते हैं चेकसम, ऑब्वियसली, ओके, चेकसम हम यूज करते हैं एरर डिटेक्ट करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे 16 बिट यहाँ पे हमने दे रखे हैं। नेक्स्ट फील्ड इज अर्जेंट पॉइंटर, ओके, नाउ देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये जो है ये एक तरीके से अर्जेंट फ्लैग है एंड दिस इज द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड, ओके, ये दोनों अलग चीज है, इसका एक बिट है और ये 16 बिट की फील्ड है, सो दिस बोथ आर डिफरेंट थिंग, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। ठीक है, और उसके बाद आती है भैया ऑप्शंस फील्ड। अब ऑप्शन फील्ड तो हमारी IPv4 हेडर में भी थी और वो भी तकरीबन इसी रेंज में थी, सेम रेंज, 0 या 40 बाइट। अभी 0 या 40 बाइट ही आपको इंडिकेट कर देता है कि बेसिकली इट इज ऑप्शनल, मतलब अगर आपको यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ओके, नहीं करना तो 0 बाइट, यू कैन सी हियर 0 बाइट, कुछ भी नहीं। और अगर आपको यूज करना ही है तो मैक्सिमम कितना तक जा सकते हो ऑप्शन फील्ड में आप? 40 बाइट तक आप जा सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द ऑप्शंस। और उसके बाद आपका भाई साहब क्या आता है? डेटा, जो आपका एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया होगा उस डेटा को हम लोग यहां पे रखते हैं, बराबर है। अब अगर इसमें गौर से आप देखोगे तो ये जो पूरा रो है 16 16 32 बिट, 32 डिवाइड बाय 8 यानी 4, यानी ये 4 बिट का है, ये 4 बिट का फील्ड 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 है, ये भी 4 बिट का फील्ड है, ये 4 बिट का फील्ड नहीं है, यहां रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 4 4 4 4 4 पांच बार, 4 × 5 20 bytes, तो ये जो है भाई साहब आपका इतना, ये 20 बाइट का है, यानी ये स्टैटिक पार्ट है, मतलब इतना तो होगा ही आपके हेडर में, दिस इज द मिनिमम That you can expect from the TCP header. ये minimum size है, ये तो होगी ही, लेकिन उसके बाद फिर आता है optional field. Optional field कितना है? Optional 0 या 40 byte तक maximum. तो यहां पे अगर मैं optional field को अपने maximum extent तक use करता हूं तो वो कितना add करेगा? 40 byte add करेगा यहां पे. तो अगर मैं इन दोनों को add करता हूं तो it will be nothing but the answer as 60 byte. Okay? So what can be the maximum size of the TCP header we can consider is 60 byte. तो इसकी जो मिनिमम साइज है वो 20 बाइट हो सकती है अगर हम ऑप्शन फील्ड को बिल्कुल भी यूज ना करें, यानी 0 बाइट यूज करें, और मैक्सिमम जो हो सकती है वो है 60 बाइट की, मतलब हम लोग उसको पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले ऑप्शन फील्ड को, तो आपको टीसीपी हेडर की मैक्सिमम साइज जो है वो 60 बाइट की देखने को मिल जाएगी। अब तो हो गया भैया ये एक बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन, बेसिक, अभी एक एक फील्ड में उतरना है अपने को, एक एक फील्ड में उतर के देखना है कि वहां पे क्या माहौल जमा हुआ है, वहां पे कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आगे आने वाले पार्ट्स में आप तक डिलीवर करने वाला हूं काफी अच्छी तरीके से, अच्छे सिनारियो सिचुएशंस के साथ आसान भाषा में। अगर हाल फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।